हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। आप देख रहे हो बढ़िया सा, मैं काला काला चश्मा पहने हूँ। मैं बहुत बढ़िया लग रही हूँ ना। वेलकम है मेरी छोटी सी चैनल शांति एका जिंदगी एक सफ़र में। तो इस काला चश्मा के राज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे आँखों के बारे में तो कुछ बात करेंगे। मैं छोटी सी बात में आप लोग को बताई थी कि मेरे आँख में प्रॉब्लम है। हाँ, सच में प्रॉब्लम है मेरी आँख में। बहुत सारे तकलीफें झेली है मैंने इस आँख के लिए। ये आँख का प्रॉब्लम 2011 से शुरू हुआ है। अभी तक भी कभी कभी निकल आता है, लेकिन 2011 में शुरू हुआ था। मैं रात को सोई हुई थी और अचानक से मेरे आँख में दर्द हुआ। फिर रात भर तो क्या करूँगी, ऐसे ही दर्द हो रहा था। और सुबह हो गया, दर्द में ही सोई। फिर सुबह हो गया, सुबह हुआ, फिर मैं क्या करी। एक दादी अम्मा थी, वो पानी लेने गए थे। तो उस टाइम मैं दादी अम्मा को बोली मेरी आँख दर्द, मेरे आँख लाल हो गया था। तो दादी अम्मा देख के मुझे बोली कि बेटा तुम्हारे आँख को क्या हो गया, सूज गया है और लाल हो गया है। तो मैं बोली पता नहीं, रात से मेरी आँख दर्द कर रहा है, पानी भी बह रहा है और दर्द कर रहा है। तो दादी हमारे बोला तू काजल लगाती है तो काजल लगा के देख, शायद घुस गया हो, कुछ कूड़ा उड़ा घुस गया होगा। तो मैं क्या करी, काजल लगा दी। फिर काजल लगाने के बाद में फिर बहुत ज़्यादा और दर्द होने लगा। फिर मैं क्या करी, बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर मैं पानी में धो हो के वो काजल को मिटा दी। फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वही पास में मेडिकल स्टोर छोटा सा था, वहाँ पे गई। फिर मेडिकल स्टोर वो भैया को बोली कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरी आँख में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं वहीं से मेडिसिन लेके आई। भैया बोले कि 3 मेडिसिन ले जा, पेन किलर दिए थे शायद, पेन किलर ही था। आई फिर मैं थोड़ा सा कुछ खाई चाय इसके साथ, फिर वो मेडिसिन झटपट से खा ली क्योंकि मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बार बार हाथ आँख में जा रहा था, मैं घिस रही थी, रौंद रही थी आँख को। फिर मेडिसिन खाते ही 5 मिनट 10 मिनट होते होते ही दर्द पूरा क्लियर हो गया। फिर मुझे अच्छा लगने लगा। तो उस टाइम मैं काम करने जाती थी, मार्बल का काम जो घरों में लगता है, टाइल्स मार्बल, बड़े बड़े मार्बल। उस टाइम मेरी ताकत भी था, मैं बहुत मतलब हैवी काम करती थी उस टाइम। सीमेंट जो कट्टा होता है वो सर में उठाना, 3 मंजिल 4 मंजिल पे ले जाना, ऐसे काम करती थी। तो उस दिन तो मेडिसिन खाने के बाद मैं दर्द पूरा कम हो गया। आँख जो लाल हो गया था वो भी ख़त्म हो गया, पूरा साफ हो गया आँख। तो मैं खुशी हो गई, चलो मेरे आँख ठीक हो गया, मुझे लगा। फिर मैं उस दिन काम पे चली गई। फिर धीरे धीरे शाम होने लगा, मेडिसिन का असर ख़त्म होने लगा, फिर मेरे आँख का दर्द शुरू हो गया। फिर मैं और फिर डरने लगी, क्या हो गया, मैं तो मेडिसिन खाई थी और अभी फिर से दर्द हो रहा है। तो मेडिकल स्टोर भैया ने 3 मेडिसिन दिया था, 3 दिन, एक दिन में 1 मेडिसिन खाने को दिया था। मतलब सुबह खाई थी, फिर रात को, फिर उसके दूसरे दिन सुबह खाना था। तो मैं रात को आई, फिर खाना उना बनाई, सबको खिलाई, खिला के फिर मैं भी खाना खाई। फिर खाना खाने के बाद में फिर वो मेडिसिन मैं खाई। खाने के तुरंत बाद ही 10 मिनट बाद फिर दर्द ख़त्म हो गया। फिर रात भर ऐसे ही सो गई आराम से, सुबह होते होते फिर से दर्द शुरू हो गया।
फिर क्या हुआ, फिर से दर्द शुरू हो गया, फिर मैं टेंशन में आ गई, क्या करूँगी क्या करूँगी क्या करूँगी, ऐसे सोचती रही। फिर उसके दूसरे दिन मैं काम पे नहीं गई, मेरे फिर वही मेडिसिन एक था उसको खा ली, खा के फिर वैसे ही दिन भर ऐसे ही रह गई। उस दिन तो ठीक था, मेडिसिन खाई थी उसका असर था इसलिए ठीक लग रहा था, फिर भी मेरे दिमाग में टेंशन था कि फिर से तो दर्द नहीं होगा, फिर से तो दर्द नहीं होगा। ये आँख की बात है, हाथ पैर घुटना या कमर या कुछ होता तो अलग बात है। फिर शाम होने लगा, मेडिसिन का असर खत्म होने लगा, फिर से दर्द शुरू हो गया, फिर दर्द शुरू हो गया, फिर मैं क्या करूँगी, फिर टेंशन में आ गई। फिर रात भर ऐसे ही रोते धोते सो के सुबह करी। फिर उसके तीसरे दिन मैं मेडिकल गई, जेएमजे हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ पे गई। बहुत बढ़िया डॉक्टर थे, बुजुर्ग थे, रिटायरमेंट डॉक्टर थे, वहाँ पे सबका हेल्पिंग होता है, फ्री में आँखों का ऑपरेशन होता है और मेडिसिन वगैरह भी कुछ कुछ फ्री देते हैं, कुछ कुछ अगर वहाँ पे नहीं अवेलेबल नहीं होता तो बाहर से मंगवाना पड़ता है, बाहर से ख़रीदना पड़ता है, लिख देते हैं वो लोग। तो गई वहाँ पे, टेस्ट हुआ, फिर मेडिसिन कुछ दिए मुझे खाने के लिए, चेक करा, फिर टेस्ट के लिए लिख दिया डॉक्टर ने। तो वहाँ टेस्ट तो नहीं होता था, दूसरी जगह पे, वहीं पे बड़ा हॉस्पिटल था एक दूसरा, वो सारे पेशेंट का इलाज करते थे, सारे बीमारी का वहाँ पे टेस्ट होता था। तो वहाँ पे टेस्ट करवाई, सारे मेरे शरीर में, जैसे एक शरीर में जितना टेस्ट होता है, मतलब यहाँ तक कि टीबी क्या क्या टेस्ट हुआ मेरा। फिर कुछ भी नहीं निकला उसमें, पता नहीं क्या है मेरे आँख में, कुछ समझ में नहीं आता। इधर से सर दर्द करता है, यहाँ से शुरू होता है दर्द शुरू होता है, फिर इधर धीरे 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 यहाँ का नस जो है सूज जाता है, सूजने के बाद में ये पत्ता सूजता है, उसके बाद में आँख लाल होता है, फिर आँख दिखना बंद हो जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है। पहले पहले शुरू बीमारी हुआ था उस टाइम तो जो ये आँख का जो ये अंदर का हिस्सा यहाँ पे जो मांस है वो निकल आता था, इधर से भी निकल आता था और इधर से भी निकल आता था, मैं बहुत डरती थी। एक मामी हैं, वो एक रोज देख लिए मेरे आँख को, वो डर के मारे वो भाग गए वहाँ से, ऐसे हो जाता है। फिर एक दिन दो दिन तीन दिन, तीन दिन का मेडिसिन दिया था, मेडिसिन खाई, ड्रॉप लगाई, फिर तीसरे दिन बुलाए थे, फिर भी ठीक नहीं हुआ। ऐसे ही मेडिसिन खाती थी, दर्द कम हो जाता था, लेकिन आँख की लाल जो ये मांस निकल आया था वो मतलब अंदर नहीं जा रहा था। फिर गई मैं तीन दिन बाद, तो डॉक्टर ने बोला कि चेक करा, डॉक्टर ने फिर बोला कि तुम्हारे आँख में इंजेक्शन लगेगा बेटा, नहीं तो ऐसे ठीक नहीं होगा। वो बहुत अच्छे से बात करते थे, बुजुर्ग थे, और वहाँ के जो नर्स लड़की लोग रहते थे कम कम एज के, वो भी बहुत अच्छे बातें करते थे। फिर उस दिन मेरा इंजेक्शन लगा, एक इंजेक्शन करीबन 250-300 का आता था, वो बाहर से मंगवाते थे, और एक इंजेक्शन दिए उस दिन, इंजेक्शन दिए उस टाइम की बात बता रही हूँ, मेरे आँख जो है वो पूरा मतलब जिस इंजेक्शन तो इसी कोने में दिए थे, इधर इधर ही अंदर ही दिए थे, मैं सोच नहीं सकती थी कि आँख में भी इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन दिए, फिर आँख पूरा, ये पत्ता भी नहीं ढकता था, इतना सूज गया पूरा, मेरे आँख भी नहीं दिख रहा था, इतना सूज गया मेरा। फिर मैं घर आ गई, घर आने के बाद में दो तीन घंटे के बाद सूजन थोड़ा 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 करके उतर गया, उतरने के बाद में दर्द भी कम होने लगा, फिर मेरी आँख भी थोड़ा 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 दिखने लगा। मैं एक आँख से देख रही थी, एक तरफ दिखाई नहीं दे रहा था, एक आँख से देख रही थी। मुझे बहुत ही ऐसे लग रहा था कि मेरी जिंदगी ही खत्म हो गया अभी पूरा, मैं ना ही रो पाती थी, मुझे रोना मना था, कुछ ये करना मना था। तो उसी टाइम उसी दिन मुझे ये
चश्मा दिया गया कि बेटा तुम्हें ये चश्मा पहनना है, जब खाना बनाओगे उस टाइम पहनना है, और धूप में निकलो सूरज के किरण से तुम्हारे आँख को बचाना है। अभी इंजेक्शन लगा है, बहुत नाजुक हो गया है तुम्हारा, और आगे चल के भी काला चश्मा ज़्यादा धूप में तुम्हें पहनना है। लेकिन गांव के लोग इतना मतलब ख़राब लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं औरत का दुश्मन औरत ही होता है, तो वो लोग ऐसे बातें बातें करते थे, मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। जब मैं रास्ते से निकलती थी तो पीछे से बात करते थे, वो भी ज़ोर ज़ोर से बात करते थे, मुझे सुनाई देता था, मुझे रोना आता था। मैं मजबूरी में ये चश्मा पहन रही थी, तो और तो क्या बताऊंगी, ज़्यादा आप लोगों से अभी बात नहीं कर पाऊंगी, बस यहीं तक। फिर नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी तो सारी चीज़ें बताऊंगी मेरी आँख के बारे में। बहुत लंबा है मेरी आँख का प्रॉब्लम की बातें, तो प्लीज़ अगर मेरी बातें आपको सच्ची लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा प्लीज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।